हेलो गाइस, वेलकम बैक पॉइंट टेक सपोर्ट। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस टाइप का एनिमेशन पावर पॉइंट में क्रिएट करने के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टाइप के और भी बहुत सारे एनिमेशन देखने के लिए हमारे चैनल पॉइंट टेक सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन बटन प्रेस करके पावर पॉइंट का एक नया स्लाइड ले लेंगे और देखिएगा लेआउट में जाने के बाद में इस स्लाइड को हम ब्लैंक कर लेते हैं। जैसे ही स्लाइड मेरा ब्लैंक हो जाता है, इसको काफी छोटा करके और इसके ऊपर एक बॉक्स डाल देते हैं। इंसर्ट में चलेंगे और इंसर्ट में हमें एक रेक्टेंगल लेना है और फर्स्ट इसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। इसके बाद हम फिर से शेप टूल में जाएंगे और यहाँ से ओवल शेप लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करते हुए इस तरह से कुछ इस ओवल शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और इसको सेंटर में रख देंगे। इसको सेंटर में रखने के लिए आपको अलाइन पे जाना है, अलाइन सेंटर करना है, अलाइन मिडिल करना है, तो ये परफेक्ट सेंटर में आ जाएगा। बैक वाला पोर्शन है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं और ये यहाँ से अलग हो जाता है। कंट्रोल डी करेंगे तो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा और इस डुप्लीकेट को भी आप अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ टू कॉपीज हमारी बन चुकी हैं। जो मेरी फर्स्ट कॉपी है, इस कॉपी को अभी हम यहाँ से हटाएंगे, ये कॉपी, और जो दूसरी वाली मेरी ये कॉपी है, इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज शेप्स पे जाएंगे और यहाँ से इसको और यहाँ से कंबाइन कर देंगे इसको। अभी ये जो मेरा दूसरा रेक्टेंगल है, इसको अलाइन सेंटर करेंगे और अलाइन मिडिल करेंगे तो इसके ऊपर की साइड में ये आ जाएगा। इसकी जो आउटलाइन है, इसकी आउटलाइन का कलर भी हम या तो सेम कर देंगे, ये सेम कलर मैंने आउटलाइन इसका दे दिया, हम इस रेक्टेंगल का कलर ब्लैक कर देंगे। और इसके बाद में जो हमारा ये सर्कल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट में ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ से देखिएगा टॉप बेबल और बॉटम बेबल, इसको हमें चेंज करना है। टॉप बेबल को हम यहाँ से ये सर्कल कर देंगे और बॉटम बेबल को भी यहाँ से हम सर्कल दे देंगे। इसके बाद देखिएगा जो इसका इसका जो साइज है, वो साइज आपको यहाँ फॉर्मेट पे अगर क्लिक नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख लेंगे, 6.29 साइज है। आप जब बनाएंगे तो अलग हो सकता है। अभी हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर में हमें कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ जो ये साइज है 6.29, आपने 6.29 टाइप करना है, उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करना है 36 से। एंटर करेंगे तो 26.44, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो टॉप बेवल की वेट है, उसके अंदर इसको जाके पेस्ट कर देंगे, बॉटम के अंदर भी जाके पेस्ट कर देंगे और इसी तरह से दोनों में हम पेस्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा एक ग्लोब टाइप का बन जाएगा। इसके बाद में इसी की नेक्स्ट सेटिंग है, आप मटेरियल में जाएंगे और मटेरियल में यहाँ से इसको देखेगा, इस ऑप्शन को यहाँ से दे देंगे। इस टाइप से मेरा ये ग्लोब तैयार हो जाता है। इसके बाद में यही जो स्लाइड है, इस स्लाइड का एंटर पेस्ट करते हुए एक दूसरी स्लाइड ले लेंगे और देखिएगा इंटरनेट से हमने डाउनलोड करके वर्ड की मैप रखी है। आप भी इंटरनेट से जाके PNG मैप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। इस मैप को आप पावर पॉइंट के अंदर लेके जाएंगे, इस तरह से हम ये इस मैप को पावर पॉइंट में लेके आ जाते हैं और इसका जो साइज है स्लाइड का, वो हम काफ़ी कम कर लेते हैं और इसका साइज इस स्लाइड के बराबर कर देते हैं जो हमारी। इसके बाद में इसको इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में लाके लगाएंगे और इस तरह से कुछ सेट करने के बाद इसका हम डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अलाइन सेंटर करेंगे, अलाइन मिडिल करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे। अब हम एनिमेशन में जाएंगे और एनिमेशन से यहाँ से आपको मिलेगा एग्जिट एनिमेशन। एग्जिट में फ्लाई आउट हम यहाँ से लगा देंगे। फ्लाई आउट की डायरेक्शन हम यहाँ से देखिएगा जाके चेंज कर देंगे। इसकी डायरेक्शन टू लेफ्ट हम कर देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से डबल इमेज है मेरी। और इसके एनिमेशन में जाते हैं, एनिमेशन पेन में चलेंगे। एनिमेशन पेन में चलने के बाद देखिएगा इसको यहाँ से विद प्रीवियस करेंगे, विद प्रीवियस, और इसका जो साइज है, साइज आप यहाँ से 8 दे देंगे और इसका जो डिले है इसको 4 दे दीजिएगा। इसके बाद इन दोनों एनिमेशन को हमें सेलेक्ट करना है। इन दोनों एनिमेशन के टाइमिंग में जाएंगे और टाइमिंग में यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, इसको हम अनटिल एंड ऑफ स्लाइड करके ओके कर देंगे। इसके बाद जो मेरा ये एनिमेशन मैंने इस पर वर्ड मैप के ऊपर लगाया है, इसको हमें कॉपी करना है, सॉरी इसका कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट, और उस डुप्लीकेट को उठा के इधर साइड में हम लेके आ जाएंगे, इसको प्रॉपरली हम सेट कर देंगे। इसके ऊपर जो मेरे एनिमेशन हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एनिमेशन डबल हो चुके हैं। इन एनिमेशन का हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। पहला एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से दे देंगे। फिर सेकंड सेलेक्ट करेंगे और इसका भी हम डायरेक्शन टू राइट कर देंगे।
जो मेरे पहले एनिमेशन है फर्स्ट वाले, इस एनिमेशन को हमें सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है, कलर्स में जाना है। कलर्स में जाने के बाद यहाँ देखिएगा इसका कुछ इस टाइप से कलर दे देते हैं और इसको हल्का सा नीचे करेंगे और फिर कलर पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा इससे डार्क दे देते हैं। इन दोनों को हमें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, अलाइन पे जाएंगे, अलाइन सेंटर करेंगे और अलाइन मिडिल करेंगे। अलाइन मिडिल करने के बाद शिफ्ट के साथ आप इसको ऊपर की साइड में ले जाके सेट कर देंगे प्रॉपर कंडीशन में। ये इस तरह से हमने सेट कर लिया। अभी देखिएगा यहाँ एनिमेशन का वर्क हमारा हो चुका है। अभी हम यहाँ से देखिएगा जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, इस फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करके हम सेकंड स्लाइड के अंदर आके इसको कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। यहाँ इस टाइप से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिएगा इसको स्लाइड शो से फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे, तो जैसे ही मैंने फ्रॉम करंट स्लाइड किया ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वक्त ले रहा है यहाँ पे, उसका भी हम यहाँ से सेटिंग करेंगे। एस्केप करके बाहर आते हैं। यहाँ जो मेरे एनिमेशन यहाँ पे एक्टिव हैं, यहाँ सेकंड वाले एनिमेशन के अंदर अब देखेंगे, एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ देखिएगा जो सेकंड वाला एनिमेशन है मेरा लगा हुआ, इसका जो डिले टाइम है यहाँ से उसको ज़ीरो कर देंगे और जो लास्ट वाला है इसका भी डिले टाइम है, इसको भी हम यहाँ से जाके ज़ीरो कर देंगे। तब हम इसको प्ले करके देखेंगे। जैसे हम प्ले करेंगे तो इसका जो स्पीड है देखिएगा, जो इसका डिले था वो यहाँ से चेंज हो गया और ये प्रॉपरली रन होने लगा है। इसकी स्पीड वगैरह कम ज़्यादा करेंगे तो उसी तरह से ये प्रॉपरली वर्क करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मॉइनटेक सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइप के और भी बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।